हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर, और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिज अलाउ कर देते हैं, और ये जो डिज अलाउंस है ये कवर्ड आपका है सेक्शन 40A में। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने सेक्शन 40A3 को और 40A सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 को लेकर मैंने डील किया था। मैंने आपको सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 में ये बताया था कि आप यदि कोई एक्सपेंडिचर करते हो और उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट किसी एक सिंगल पर्सन को करते हो इन अ सिंगल डे में करते हो, और पेमेंट यदि 10,000 से अधिक का होता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा अकाउंट पे ई चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS में, बैंकिंग चैनल के थ्रू NEFT RTGS के थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना पड़ेगा, और अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसके अंदर में आपका भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे आते हैं। मैंने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपके 40A3 का कंसेप्ट और 3A का कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब क्या हुआ, ये जो रूल है जो आप 10,000 से अधिक इन अ सिंगल डे टू अ पर्सन, आप किसी एक आदमी को 10,000 से अधिक नहीं पे कर सकते हो अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ECS और आपका और अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड आप जो पे नहीं कर सकते हो, इसका एक्सेप्शन है। ये आपका रूल 6DD में दिया हुआ है, 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यदि कैश में पे करते हो या फिर इस मेथड के अलावा भी यदि पे करते हो तो 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो केसेस है ये आपका रूल 6DD में दिया हुआ है। तो आज के क्लास में मैं आपको रूल 6DD को लेकर डील करूंगा। इस रूल को लेकर मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, ये इतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको लेकर सेपरेट वीडियो बनाया, और स्पेशली CA फाइनल में इस रूल 6DD को लेकर एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर दे ही देता है। कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ ही देगा रूल 6DD के एप्लीकेशन को लेकर, और स्पेशली अभी अधिक रिलीवेंट हो गया। रूल 6DD में टोटल आपका सब रूल A to L तक है, ABCDEFGHIJKL, ये इतना आपका रूल है। आज हम उस पूरे को डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रूल J को डील करूंगा। रूल J अब डिलीट हो गया है, रूल J पहले था बट अब डिलीट हो गया है। तो मैं डिलीट वाले को क्यों डील करूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों का डाउट रहेगा और एग्जामिनर आपको J को लेकर ही क्वेश्चन पूछेगा। रूल जे क्या कहता है, रूल 6DD सब रूल जे, ये रूल जे क्या कहता है, रूल जे पहले ये था कि आप यदि पेमेंट करते हो किसी बैंक हॉलीडे के दिन, आप यदि कैश पेमेंट करते हो बैंक हॉलीडे के दिन या बैंक स्ट्राइक के दिन तो आपका कैश पेमेंट अलाउ होगा, लोग कैश पेमेंट करते थे और दिखा देते थे कि हॉलीडे के दिन इसने पैसा मांगने के लिए आ गया, मुझे पैसा देना पड़ा, और या फिर बैंक स्ट्राइक था तब मुझे पैसा पे करना पड़ा। तो इस तरीके से लोग मैनेज करते थे। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने इसको डिलीट कर दिया, ये जो प्रोविजन था रूल 6DD में इसको डिलीट कर दिया गया। अब यदि आप बैंक हॉलीडे के दिन भी या बैंक स्ट्राइक के दिन भी आपको पे करना पड़ेगा चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में, ECS में, अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड में, ये आपको पे करना पड़ेगा। अब जो लोग पहले बेनिफिट उठाते थे अब उठा नहीं पाएंगे, अब इसको बेनिफिट को उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने पहले जे में इसलिए कह दिया क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि बैंक स्ट्राइक था, 15 अगस्त को मैंने पे किया, 15 अगस्त हॉलीडे, 26 जनवरी को पे किया या 2 अक्टूबर को पे किया, मैं किसी हॉलीडे के दिन मैंने कैश पे कर दिया, और इस तरीके से लोग मैनेज करते थे। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई नहीं करता था, तो ये एक बड़ा इशू था, इसीलिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने इसको डिलीट कर दिया। आइए अब स्टार्ट करते हैं रूल 6DD का सब रूल ए से। सब रूल ए क्या कहता है कि आप पेमेंट कर सकते हो, आप अदर देन चेक, ECS, डिमांड ड्राफ्ट,
अदर क्लियरिंग सिस्टम, अदर बैंकिंग चैनल और आपका प्रिस्क्राइब रिमोट, इसके अलावा भी आप कैश में पे कर सकते हो। यदि आप पे करते हो आरबीआई को या एसबीआई को या शेड्यूल बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को या पोस्ट ऑफिस को या एलआईसी को, आप यदि इन सभी को पे करते हो तो आप कैश में पे कर सकते हो। सही बात है, आप बैंक में जाओगे पैसा जमा करने के लिए तो कैश ही लेके जाओगे ना, डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से लेके जाओगे। तो इसके लिए ये रूल 6DD का एक्सेप्शन है कि आप बैंकिंग को, आरबीआई को, एलआईसी को, पोस्ट ऑफिस को आप पे कर सकते हो कैश में। समझ में आ गया। दूसरा आपका है कि आप यदि 6DD रूल सब रूल बी क्या कहता है, आप यदि पे कर रहे हो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया है कि आपको पे करना है लीगल टेंडर में, तो लीगल टेंडर क्या हो गया, इंडियन करेंसी हो गया, कैश हो गया, तो आप उसमें कैश में पे कर सकते हो। आपको यदि गवर्नमेंट ने कोई फीस पे करना है तो आप उसको कैश में पे कर सकते हो। इसके लिए रूल 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, एओ इन्वोक नहीं कर पाएगा। रूल सी क्या कहता है, आप यदि पे करते हो थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू यदि आप पे करते हो, समझ गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप जब बनाओगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बना के देगा, बैंक बना के देगा, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक बना के देता है तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पे कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है जो बैंकिंग के थ्रू होता है, उस केस में भी आपका 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका था बुक एडजस्टमेंट। आप यदि किसी एक अकाउंट से पैसे को उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो बैंक को बोल के बैंकिंग अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है वो इसके अंदर में कवर्ड नहीं होता है। इसके अलावा एक आपका और है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो पेएबल एट बैंक है, आप यदि किसी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे करते हो और उसका जो अल्टीमेट पेमेंट होता है वो बैंक करता है, तो उस केस में भी आपका सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए। अभी तक मैंने आपको ए बी और सी कहा। ए में मैंने कहा कि आप बैंकिंग कंपनी को, पोस्ट ऑफिस को, एलआईसी को पे करते हो, बी में कहा कि आपने गवर्नमेंट को पे किया, और सी में कहा कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू या आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू, इस सब के थ्रू यदि आप पे करते हो तो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा यदि बैंक अपने एक अकाउंट से पैसा हटा के दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दे, आप बैंक को बोल देते हो कि मेरा अकाउंट से ट्रांसफर कर दो, तो इस सब केस में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए। इसके अलावा जो डी है, पॉइंट नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। डी को क्या होता है ना, कितना बार हम लोग क्या करते हैं, बुक एडजस्टमेंट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने मिस्टर ए को सामान सेल किया, मैंने मिस्टर ए को 1,00,000 रुपीज का अपना गुड्स सेल किया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका एंट्री क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब कुछ ऐसा है जो एक्सपेंसेस भी करता है जो ए करता है, आप कुछ ऐसे खर्चे हो जिसका पेमेंट आपको ए को करना है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ए। समझ में आया। सपोज कीजिए एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज का, तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको ए को पे करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए वो आपको कैरेज देता है, वो एक ट्रांसपोर्टर भी है, ट्रांसपोर्टर आपको कैरेज पे, आपको वो कैरेज की आपको रेंट कैरेज दे रहा है, आप क्या एंट्री पास करोगे, आप करोगे कैरेज इन वाट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ए, टू मिस्टर ए। समझ में आया, 10,000 रुपीज। अब आप मुझे बताओ कि आप अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको 1,00,000 रुपीज पाना है मिस्टर ए से और 10,000 रुपीज देना है मिस्टर ए को, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप उसको नॉर्मली 90,000 पे करते हो। ये जो 10,000 हुआ ना, इसको हम कहते हैं बुक एडजस्टमेंट, यही जो बुक एडजस्टमेंट है, इस बुक एडजस्टमेंट वाले केस में रूल 6DD एप्लीकेबल नहीं होता है। आई थिंक आप लोग को ये पॉइंट समझ में आइए। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर ई, क्या कहता है, रूल सब रूल ये कहता है कि पेमेंट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए, या फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स के लिए आप यदि पे करते हो, किसको पे करोगे? टू द एग्रीकल्चरर प्रोड्यूसर ग्रोवर आप यदि, या फिर हॉर्टिकल्चर एपिकल्चर भी इसके अंदर में कवर्ड आते हैं, तो आप यदि इन सब के लिए पे करते हो, लेकिन किसको पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, पे करना पड़ेगा ग्रोवर को, ठीक है? आप यदि प्रोड्यूसर को ग्रोवर को पे करते हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आईटीसी का एक प्रोडक्ट है आशीर्वाद आटा, ये पूरा वर्ल्ड में भी फेमस हो चुका है। आप कहीं भी रहे, दुबई, सिंगापुर, सब जगह आपको आशीर्वाद आटा मिल जाएगा। क्या होता है इसमें? देखिए आईटीसी क्या करती है, आईटीसी का एक स्कीम है आईटीसी चौपाल, उसके तहत आईटीसी ने क्या किया, प्रत्येक गांव में अपना एक सेंटर खोल दिया, अपने एक एम्प्लॉय को बैठा दिया, लैपटॉप देके एक एम्प्लॉय को वहां पर बैठा दिया, और जितने भी आपके फार्मर से, जो भी आपका वीट है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो डायरेक्टली फार्मर से बाई करते हैं, मिडिल मैन को खत्म कर दिया, मिडिल मैन कोई रहा ही नहीं। नहीं तो हमारे कंट्री में क्या होता है कि कोई आदमी आलू को पैदा करता है, जो फार्मर है वो आलू को ग्रो करता है 5 रुपीज में, उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 5 रुपीज में, वो सेल करता है मिडिल मैन को, और वो मार्केट में आते आते 20 रुपीज तक पहुंच जाता है, 15 रुपया मिडिल मैन खा गया, समझ गए? तो आईटीसी ने क्या किया, मिडिल मैन को ही खत्म कर दिया, और आप सिंपली कहा कि मैं डायरेक्टली फार्मर से लूंगा। इससे क्या हो गया, इससे हुआ कि जो आईटीसी के जो प्रोडक्ट थे वो आपके सस्ते हो गए, पहला ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हो गया कि वो कैश पेमेंट कर सकता है, आईटीसी इसमें कैश पेमेंट कर सकता है। चलिए एक एग्जांपल और बोलता हूँ, कोई एक 5-स्टार होटल है, वो चिकन खरीदता है, चिकन या मटन, वो चिकन मटन बाई करता है, डायरेक्टली जाता है बचर शॉप से, जो कसाई खाना होता है वहाँ से चिकन मटन बाई करता है, और उसको कैश में पेमेंट करता है, तो क्या ये अलाउ होगा? हाँ ये अलाउ होगा, क्योंकि ये जो आपका बचर शॉप है, ये आपका देखा जाए तो प्रोड्यूसर हो गया, वो मीट को वहीं से वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मीट को वहीं से वो डिलीवर कर रहा है, तो ये आपका वहाँ पर अलाउ होगा। अब मान लीजिए कि वही 5-स्टार होटल सब्जी मंडी से जाके वेजिटेबल्स बाई करता है, तो क्या उसके ऊपर 40A3 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? 40A3 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप तो मंडी से बाई कर रहे हो ना भाई, आपको बाई करना है फार्मर से, आपको बाई करना है जो उसका प्रोड्यूसर है, जो ग्रोवर है, आपको उससे बाई करना है, जो मंडी में तो वो सेल कर रहा है, तो मंडी से कैसे होगा, मंडी में तो एक मिडिल मैन हो गया, तो आपको ग्रोवर से बाई करना है। आप यदि ग्रोवर से बाई करते हो तो आपका सिंपली इसमें हो जाता है, आप यदि ग्रोवर से बाई करोगे तो एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और 40A3 इन्वोक नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इंडिया में क्या है, फिश प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोग फिशर्स है, माने ऐसा है कि करोड़ों का मार्केट है, 30,000 करोड़ ऐसा है, कुछ एक्सपोर्ट होता है। तो क्या होता है ना कि फिशर्स मैन लोग क्या करते हैं, फिशरमैन बहुत छोटे छोटे मछुआरे होते हैं, वो लोग मछली को पकड़ते हैं, मछली को पकड़ने के बाद सब से अब क्या करते हैं, मछली को अब उन लोगों का एक हेड होता है, फिशर्समैन का एक हेड होता है, जो सब अपना इलेक्शन करके चुनाव जीत के एक हेड होता है। अब जो हेड फिशरमैन है वो सभी छोटे फिशरमैन से मछली को एक्वायर करता है, समझ गए, सभी छोटे फिशरमैन से मछली को बाई करता है, और उसके पास टन्स ऑफ फिश होते हैं, और उस फिश को वो एक्सपोर्ट हाउस को बेचता है, समझ गए, उस फिश को वो जो हेड फिशरमैन है उसको एक्सपोर्ट हाउस से बेचता है। यदि एक्सपोर्ट हाउस डायरेक्टली छोटे फिशरमैन से बाई करे तो उसको दबा देगा, उसको पैसा ही उतना नहीं देगा, क्योंकि वो बार्गेनिंग के पोजिशन में नहीं रहेगा। तो इस कारण से क्या हो गया, सभी फिशरमैन मिलके एक हेड फिशरमैन को ये किया गया कि हम लोग के बिहाफ में आप बार्गेनिंग करोगे, और आप और हम लोग आपको सेल करेंगे, स्मॉल फिशरमैन हेड फिशरमैन को सेल करेगा, और फिर हेड फिशरमैन उसको एक्सपोर्ट हाउस को सेल करेगा। एओ ने क्या किया होगा, एओ ने एक्सपोर्ट हाउस जो कैश पे कर रहा है हेड फिशरमैन को, उसको डिज अलाउ कर दिया होगा 40A सबसेक्शन 3 के 3।
सभी को ये एक बड़ा सा इशू हुआ, ये गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट ने इस मैटर में इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने इस मैटर में इंटरवीन किया और क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा गया जो फिशरमैन के इंक्लूड्स में हेड फिशरमैन भी आते हैं, फिशरमैन के में हेड फिशरमैन भी आते हैं और आप हेड फिशरमैन को भी यदि आप पे करते हो तो आपका ये एक्सेप्शन 6DD के अंदर में कवर्ड होगा, 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब क्या होता है, अब आपका लॉ में लिखा हुआ था रूल 6DD में लिखा था फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, लेकिन फिश के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, क्रेब होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, बहुत सारे फिश प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब जब आप यदि इस प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे, आप यदि क्रेब सेल कर रहे थे या लॉबस्टर सेल कर रहे थे, जो फिशरमैन जो सेल कर रहा था और बदले में कैश जो उसको मिल रहा था, तो इसके ऊपर एओ ने क्या कहा, एओ ने कहा कि ये जो रूल एप्लीकेबल है वो तो ओनली फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, आप तो क्रेब सेल कर रहे हो, आप तो लॉबस्टर सेल कर रहे हो, क्रेब तो फिश नहीं होते हैं। तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इस दोनों मैटर के लिए जो हेड फिशरमैन का इशू था उसके लिए भी और जो क्रेब और लॉबस्टर का इशू था उसके लिए भी सर्कुलर नंबर 10/2008 में एक सर्कुलर लेके आए और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया जो प्रोड्यूसर इंक्लूड्स फिशरमैन एज वेल एज हेड फिशरमैन या फिशरमैन इंक्लूड्स हेड फिशरमैन, ये आपका कहा गया। और दूसरा क्या कहा गया, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स अदर सी फूड, इंक्लूड्स लॉबस्टर क्रेब अदर सी फूड्स। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों केस को उसमें कवर कर लिया गया, समझ गए। इसके बाद क्या हुआ था, हम लोग रूल ई पर थे, रूल एफ, रूल एफ में क्या कहता है कि रूल एफ में कहता है कि जो आप यदि पे करते हो किसी कॉटेज इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर, जो बिना पावर के इस्तेमाल के काम करता है, जिसमें पावर का यूज नहीं होता है, माने मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है, आप यदि ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री को पे करते हो तो आप कैश में पे कर पाओगे, आप कैश में पे कर पाओगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर जी, इसमें क्या बोला गया, पहले मैंने एफ कहा था, जी, इस जी में क्या कहा गया, जी में ये कहा गया कि आप यदि ऐसे विलेज में पे करते हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को पे करते हो जो बिजनेस करता है ऐसे विलेज में या ऐसे सिटी में जहां बैंकिंग नहीं है, जहां बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको कैश में पे कर सकते हो, यह रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर्ड है, समझ गए। नेक्स्ट आपका था कि आप यदि पॉइंट नंबर एच, आप यदि इंप्लॉई को पे करते हो या इंप्लॉई के लीगल हेयर को पे करते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, डेथ या डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, यदि जब कोई इंप्लॉय रिटायर करता है या डेथ होता है या आप उसको टर्मिनेट कर देते हो, उस टाइम में यदि आप टर्मिनल बेनिफिट पे करते हो, ग्रेजुएटी बेनिफिट पे करते हो या डेथ बेनिफिट पे करते हो या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पे करते हो और पेमेंट अमाउंट इज नॉट मोर देन 50,000, पेमेंट अमाउंट डज नॉट एग्जीड 50,000, पेमेंट अमाउंट यदि 50,000 से कम होता है तो आप उसको कैश में पे कर सकते हो, उसके ऊपर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये केस आपका एक्सेप्शन में 6DD में कवर्ड होगा, समझ गए। तो रिटायरमेंट के टाइम में यदि एम्प्लॉयर चाहे तो एम्प्लॉई को टर्मिनल बेनिफिट के लिए अप टू 50,000 तक कैश में पे कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस साल हुआ है रिटायर और जो ग्रेजुएटी बेनिफिट है या अदर बेनिफिट है ये आपको नेक्स्ट ईयर पे कर, आप पे कभी भी करो, लेकिन इन द यदि ये रिटायरमेंट के लिए पे कर रहे हो तो टर्मिनल बेनिफिट के लिए पे कर रहे हो तो आप इसको पे कर सकते हो अप टू 50,000, 50,000 रुपया तक आप इसको कैश में पे कर सकते हो। ऐसे ही आपका एस था, ऐसे आ गया पॉइंट नंबर आई, इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्प्लॉई है, आपका शिप का बिजनेस है, आपका जो इम्प्लॉई है उसका पोस्टिंग किसी शिप पर है या किसी ऐसे सिटी में है या किसी ऐसे टाउन में है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप उनको कैश में पे कर सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब आप सैलरी दोगे तो TDS काट के सैलरी दोगे,
सैलरी के ऊपर में जो TDS एप्लीकेबल होगा वो TDS काट के सैलरी दोगे, तो आप उनको कैश में पे कर सकते हैं। इम्प्लॉई को जो शिप पर पोस्टिंग है या किसी ऐसे विलेज या टाउन में पोस्टिंग है, आप उनको इन कैश में पे कर सकते हो। एक पॉइंट आपको और आ गया, ये तो मैंने पॉइंट नंबर जे का, अब पॉइंट नंबर के का, पॉइंट नंबर आई का, जे मैंने पहले ही कवर कर लिया था कि जो अभी डिलीट हो गया है, जे मैंने पहले कवर किया था जो अभी डिलीट हो गया है। जे में क्या था कि हॉलीडे के दिन, बैंक हॉलीडे या बैंक स्ट्राइक के दिन आप कैश पे कर सकते हो, अभी डिलीट है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था। अब आपका एक पॉइंट आता है के पॉइंट, पॉइंट के में क्या कहता है कि जो सभी सर्कमस्टेंसेस, जो कभी परिस्थितियां, जो कवर्ड है, जो एक्सेप्शन कवर्ड है रूल 6DD में, यदि आपका जो एजेंट है और आपका एजेंट जो पेमेंट करता है उन सभी केसेस में जो कवर्ड है रूल 6DD में, और आप यदि अपने एजेंट को उस पेमेंट का रिम्बर्स करते हो इन कैश में, तो आपका कैश पेमेंट अलाउेबल है। तो ये आपका कैश पेमेंट अलाउेबल है अंडर रूल 6DD में, आपके ऊपर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ए वो इन्वोक नहीं कर पाएगा। एक लास्ट पॉइंट, ये आपका क्या होता है, जो मनी चेंजर है, जो ऑथोराइज्ड डीलर है, आप यदि ऑथोराइज डीलर से या जो आप फॉरेन में ट्रेवल करते हो उस समय जो मनी चेंजर से जो आप कैश में बाई करते हो, आप जो उसको आप कैश पेमेंट करते हो, तो मनी चेंजर, ऑथोराइज डीलर, इन सभी के लिए कैश पेमेंट अलाउेबल है, ये आपका रूल 6DD में कवर्ड है। समझ गए, तो रूल 6DD में मैंने फुल्ली कवर्ड कर दिया। इसके अंदर में एक बार मैं आपको ब्रीफ में भी बताऊं, तो रूल 6DD के अंदर में जो सारे केसेस हैं उसके ऊपर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और 3A एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए, इसके अंदर में क्या क्या आ गया था, सबसे पहले एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले क्या आ गया था, सबसे पहले आप किसी RBI को पे कर रहे हो, कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पे कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस से कर रहे हो, LIC कर रहे हो। सेकंड क्या था, आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। थर्ड क्या था कि आप पे कर रहे हो थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पे कर रहे हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो जो पेएबल एट बैंक है, या आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर के थ्रू पे कर रहे हो, या आप बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे हो। समझ में आ गया, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा क्या कवर था, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले को पे करो, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है आप उसको यदि पे करोगे, या हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर या जो एनिमल हस्बेंड्री आप उसके प्रोड्यूसर और ग्रोअर को पे करो। मैंने इसमें ITC चौपाल का केस कहा था, बीच में एक पॉइंट छूट गया, जो आप बुक एडजस्टमेंट करते हो कि सेम अमाउंट का एक माने सेम पर्सन डेटर भी है, सेम पर्सन क्रेडिटर भी है, तो आप सेटअप कर देते हो, जो सेटअप करते हो ये भी आपका रूल 6DD के अंदर में कवर्ड है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इसके अंदर इसके अलावा मैंने बताया था कि आप ऐसे विलेज में पे कर रहे हो, आप ऐसे पर्सन को पे करो जो ऐसे विलेज में रहता है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि आप इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप यदि जो आपका एम्प्लॉई है किसी शिप पर पोस्टिंग है वहाँ पर यदि आप पे कर रहे हो, या किसी ऐसे विलेज में आपका एम्प्लॉई जॉब करता है जहाँ पर आपका बैंकिंग नहीं है, तो वो टेम्पोरी पोस्टिंग वहाँ चाहिए, ये पॉइंट में छूट गया था, वो टेम्पोरी पोस्टिंग वहाँ चाहिए, वहाँ पर आप यदि पे कर रहे हो तो आपको TDS काट के पे करना पड़ेगा, सैलरी के ऊपर TDS काट के पे कीजिए और रूल 6DD एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा क्या था कि कोई ऐसा जो भी सर्कमस्टेंसेस कवर्ड है, कोई यदि इसके अंदर कोई आपका एजेंट इन सारे केसेस में पे कर रहा और आप उसको रिम्बर्स कर रहे हो, तो रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट ऑफ द केसेस कवर्ड अंडर रूल 6DD ये आपका, तो वो आप उसको रिम्बर्समेंट कर सकते हो, वो इन कैश में कर सकते हो, ये आपका सब रूल के में कवर्ड है। ऐसे आपका जो मनी चेंजर हो गया, ऑथराइज मनी चेंजर हो गया, आप उसका भी पे कर सकते हो, कैश में पे कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये फ्रेंड्स आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ सेंड मी अ मेल, माय मेल ID इज taxxfinancialservices@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग, थैंक यू।